नमस्कार, मैं रुक्षु राजपूत विशाल नारायण शर्मा के साथ में क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं अचल सरोवर स्थित प्राचीनतम गणेश मंदिर की दीवार धसी। आइए जानकारी करते हैं यहाँ के पुजारियों से। हम आए हुए अचल ताल स्थित गणेश मंदिर जी, जो प्राचीन गणेश मंदिर कहलाया जाता है, और ये जो टूटा हुआ मलबा आप देख रहे हैं, ये ऊपर से आप देख सकते हैं या परिक्रमा लगाते हैं लोग, और कोई भी गंभीर हादसा कभी भी हो सकता है। ये तो रात में गिरी है, लेकिन चूँकि ये रात में क्षतिग्रस्त हुआ है, और JCB चलने के कारण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रवि वर्मा। रवि जी, क्या घटनाक्रम है बताएं? ये कारण इसका है, ये जो अचल ताल बन रहा है यहाँ पे JVC मशीन, और ये जो वो चलता है क्या कहते हैं उसे, खुदाई के लिए, तो उसकी धमक से ये रात में 2:10 पे हादसा हुआ है। अगर ये दिन में हादसा होता तो क्या कहते हैं पब्लिक के ऊपर वो होता। कौन सा मंदिर कहलाता है ये? कहाँ? प्राचीन सिद्ध गणेश मंदिर अचल। अचल, तो ये किस वजह से हुआ है, किस कारण से ये ग्रस्तीकरण हुआ है, कैसे इसको क्षतिग्रस्त हुआ है? ये काफ़ी दिनों से हमने इनसे शिकायत करने की कोशिश करी, सुबह से नगर आयुक्त को फ़ोन कर रहे हैं और सब आश्वासन दे रहे हैं, आ रहे हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया है मौके पर। मौके पर कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अगर ये हादसा दिन में होता तो? दिन में होता तो भक्तगढ़ के लगने की चांस रहते, कहीं ना कहीं लगते, क्या होता कोई पता नहीं है। मैं विनयनाथ महंत, अलीगढ़ के मंदिर के महंत विनयनाथ जी जी। ये रात्रि में 2:10 की बात है, शुक्रवार आवाज़ हुई, मैं तुरंत नीचे आया, देखा तो जो ऊपर की छत बैठी बैठ गई है, और उसके बाद ये POP नेटली लड़की दीवार क्रैक हुई, नीचे परिक्रमा क्रैक हो गई है। तो यदि ये बात वारदात दिन में होती तो शायद के एक आध भक्त भी इसमें चपेट में आ जाता। ये रात घटना रात्रि में हुई है, इसलिए कुछ नहीं हुआ है। परंतु अभी नगर निगम सुबह से मैं अधिकारी को बहुत फ़ोन किए हैं और बहुत लोग फ़ोन किए हैं, अभी तो कोई नहीं आया है। यहाँ तक कि ये कार्य नगर निगम के माध्यम से चल रहा है, नगर आयुक्त भी यहाँ पे आना चाहिए, वो नहीं आए। सुबह से आश्वासन दे रहे हैं सभी लोग, अभी कोई आके राजी नहीं है। और अभी ये प्रोजेक्ट जो चला रहे हैं, ये कुछ बता के नहीं दे रहे, जो स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, जबकि हमारे माननीय मोदी जी हर मंदिर पुराने मंदिरों का पुराने मंदिर हैं उनका पुनः निर्माण करा रहे हैं, और हमारे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अलीगढ़ में जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कार्य हो रहा है वो मंदिर तोड़वा रहे हैं। जैसे कि पहले तामेश्वर मंदिर के पास में दो मंदिर, देवी का हनुमान जी का मंदिर था, वो भी ध्वस्त करिए किए, उसके बाद समाधि स्थल था वो तोड़ दिया। अभी कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले महादेव मंदिर की दीवार गिरी थी, उस पर कट्टे छिड़के मामला दबा दिया, छोड़ दिया। अब गड्ढा घटी इस मंदिर की, गणेश मंदिर की पीछे परिक्रमा में, कल को किसी और मंदिर में घटेगी। अभी अचल के अचल सरोवर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कर रहे हैं, एक तो व्यापार बिजनेस पॉइंट, दूसरा लेबर पॉइंट जी बनना है, जो कि मंदिरों को जीवन धारण होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर को कोई ध्यान नहीं है, केवल दुकानें बन रही हैं और अच्छा खासा संधिकरण का चल रहा है, तो व्यापारीकरण किया जा रहा है जी। कोई बता के राजी है कोई कि क्या हो रहा है अचल पर? मंदिर के जो महंत है, मंदिर के जो पुजारी, उनको अवगत कराएं कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई बता के राजी नहीं है। एक संज्ञान में आ जाए, और अब जो मंदिर जो बनने टूटे हैं और जो टूटने की कतार में है, उन मंदिरों को पुनः निर्माण करके दें। निगम से आपको क्या आशा है, क्या सहयोग की आशा है? आशा अभी तो मेरे को कुछ नहीं दिख रही, परंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो सारा समाज, सारी पब्लिक, सारे भक्त मंदिर के इकट्ठे करके, और रोड जाम होगा और जो होगा वो करा जाएगा, उसका जिम्मेदार नगर निगम होगा, नगर निगम होगा, और सारा शासन प्रशासन जो भी होगा। अभी हमने सभी अधिकारी को फोन कराया, यहाँ तक विधायक सबको बुलाया, अब सब लोग आ रहे हैं और आएंगे, उसके बाद वो अपना क्या निर्णय देते हैं, उसके बाद में अगर नहीं सुनवाई होती है, फिर हमें जो अपना संज्ञान अपने तरीके से जो कार्य होगा वो हम करेंगे।